अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आपका ठीक हो, खैरियत हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये चश्मे मैं वैसे नहीं पहनता, वैसे मैं दूसरे वाले पहनता हूँ, लेकिन आज मैंने बोला थोड़ा यूनिक बनूँ, मजाक करो बस, ऐसे ही मैं पहन लेता हूँ कभी कभार। बाकी मेरे पास दो चश्मे, तो ये भी पहन लेता हूँ, वो भी पहन लेता हूँ, मोस्टली मैं वही पहनता हूँ क्योंकि सब कहता है वो अच्छे लगते हैं। बाकी आज है जो आज जुम्मा है और आज मैं कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट, तीसरी या फोर्थी, आई मीन तीसरी या चौथी, चौथी है वैसे। और आज मुझे आपको दिखाना है, शूट करना है जुम्मे का। बाकी मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा क्या कुछ अच्छा शूट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज शायद मैं कहीं जाऊँगा, तो मैंने बोला आज जा रहा हूँ तो ब्लॉग बना लूँ। बाहर बनाने जितना भी तो कॉन्फिडेंट है भाई बंदे में, बंदा फिर भी बनाता रहेगा क्या, कहीं बाहर जाए तो भी बनाएगा। हाँ तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी शेडी, कपड़ों को आप इग्नोर करना, अभी मुझे नमाज ले जाना है क्योंकि नमाज में सिर्फ 30 मिनट रह गई है, और बस मैं निकलता हूँ। तो गाइस ये है मेरा आउटफिट, चलो अभी नीचे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आता हूँ फिर बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आगे आप लोगों को और भी कुछ दिखाना है। हेलो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और मैंने नमाज भी पढ़ ली है, बाकी अभी कुछ दिखाने को भी नहीं है मेरे पास। और अभी मुझे थकन भी हो रही है काफ़ी, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे लौटा हूँ, जिम भी गया था सुबह, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ब्लॉगिंग डिसाइड करने के लिए मैंने लेट किया ना कि आज ब्लॉग बना नहीं, वरना मैं जिम भी ज़रूर शूट करता, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और दिन जिम भी शूट करूँगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, नैप लेनी है, तो यार मैं ब्लॉग थोड़ी देर से लाइक शाम को स्टार्ट करूँगा फिर से, तो चलते। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं शाम को मिलूँगा, धूप से तो आपको लग रहा होगा कि अभी शाम नहीं हुई है, और अभी नहीं हुई, 3:30 बजे अभी। और अभी मैंने दोपहर का खाना तो आज नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि अभी मुझे अभी हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, अभी हम सीधा डिनर और रात को मिक्स करके खाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ सी व्यू, और किसके साथ जा रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ सी व्यू, क्योंकि मेरे तो दोस्त वगैरह तो है नहीं, और जो थोड़े बहुत है भी वो भी आते ही नहीं है, क्या करें, अब वो घर पर बैठे रहते हैं, मैं अब उनके साथ मैं भी घर पर बैठा रहता हूँ, मैं अकेले कहाँ जाऊँगा यार। और ये मेरा भाई है, इसको भी आज ले लिया मैंने ब्लॉग में, पहला फैमिली मेम्बर है जिसको मैंने ब्लॉग में लिया। अनस कुछ बात करो, ये मेरा बड़ा भाई है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, और हाल इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। नहीं सब्सक्राइब जरूर करना यार इसको। जी थैंक यू। अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अभी बस वेट कर रहे हैं फैमिली वालों का, या तो शायद मैं उठ जाऊँ गाड़ी से क्योंकि मुझे बहुत धूप लग रही है। हेलो गाइस, तो देख सकते हो आप लोग मैं सी वी पढ़ूँ अभी, ये देख सकते हो अभी मैं सी वी आ चुका हूँ, बस अभी पहुँचा हूँ, लेकिन अभी पढ़नी है असर की नमाज, अभी मेरी असर की नमाज रहती है, तो वो पढ़ के फिर हम लोग सी वी की तरफ थोड़ा आगे जाएंगे। अभी तो पहले नमाज पढ़नी है, क्योंकि नमाज का टाइम फिर निकल जाएगा। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ नमाज पढ़ूँ, नमाज की तरफ छोड़ूँ नहीं, वरना मैं बीच में काफ़ी छोड़ने लगी। मैं असर की नमाज पढ़ के सब करके सी वी तक तो आया, लेकिन फिर है ना वो हो गई, मगरब हो गई, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत फिर भी ऐसे ही चक्कर लगा ले सी वी का, थोड़ी 5-10 मिनट वॉक कर ले फिर निकल लूँगा, सही है, फिर नमाज भी पढ़नी है। यार मैंने सोचा सी वी तक मैं एक बार चला जाऊँ, चक्कर लगा लूँ, लेकिन चले ही जा रहा हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्या करूँ। चलो अब चलता ही जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल नेट में पहुँच ही गया हो तो पहुँच ही जाता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था फजूल डिसीजन था कि मैं इतना दूर फजूल में जा के फिर वापस आऊँ, वहाँ खड़े भी नहीं रहूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर नाला बना हुआ है, तो जब भी मैं यहाँ तक यहाँ पर तो नहीं जा रहा,
मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे वहाँ से यूँ घर के घूम के जाना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा पड़ेगा। तो गाइस मैं वापस चलता हूँ, नमाज़ फिर पढ़ते, बस जितना सी व्यू देखना था मैंने देख लिया। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे और सुबह के टाइम आएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। सही है, सुबह के टाइम, लेकिन मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकता ना, मेरे साथ कोई आता नहीं इतना दूर में, कहाँ से जाओ अकेला, है ना। तो हेलो गाइस, तो मैं सी व्यू से निकल गया था उस वक्त, मतलब हम निकल गए थे सी व्यू से, ज़्यादा देर तक बैठने के लिए गए नहीं थे, बस शाम तक बैठने के लिए गए थे। और अभी रात हो चुकी है, हमने डिनर भी सुबह तक कुछ खाया भी नहीं था, तो अभी हम लोग आए हैं कुछ डिनर वगैरह करने। ये देखें, ये चिकन स्पाइसी है, ये बोर्ड पेशन में, यहाँ पर हम बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन अभी आए हम काफ़ी टाइम बाद। तो बस यहीं पर डिनर करेंगे, फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। हेलो गाइस, तो खाना आ चुका है, सबसे भूख लग चुकी मुझे, अभी मैं इसको करूँगा ट्राई। ये देखें मेरा है, ये दूसरे लोगों का है, और ये रोटी। देखिए गाइस, ये है गरम गरम इसका, मैं धुआं भी निकल रहा है, रोटी नान के साथ मैं इसको खा रहा हूँ। चटनी में दबोगे, चटनी अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि फ़ोन मैंने रखा भाई। ये देखिए, ये चटनी में दबो दिया, अब मैं इसका बाइट लेने जा रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये है टिक्का बोटी, ये वैसे मुझे टिक्के से और भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका भी बाइट चखता हूँ एक। ये बहुत ज़्यादा नरम है, सॉफ्ट है, टिक्का थोड़ा हार्ड था, उसको भी ट्राई करते हैं एक बार, चटनी में दबोते। बहुत सॉफ्ट है, अच्छा मैंने बड़ा बैठ लिया और चखा ही ज़्यादा। तो हे गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, और अभी मैं अभी घर आया हूँ, और काफ़ी आज थकन नहीं, काफ़ी रनिंग रहता, और चार घंटे तो हम गाड़ी में बैठे रहते, और एक दो घंटे वहीं बैठे थे, चार घंटे गाड़ी में बैठे थे, काफ़ी मैं थक गया हूँ। तो अभी रात भी हो गई है, और रात हो गई 10 बज गए शायद या 10:30। तो यार अभी मैं सोऊंगा क्योंकि आजकल मैं जल्दी सोने की थोड़ी मेरी आदत हो गई है, तो अभी भी मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है, आप डार्क सर्कल देख सकते हैं मेरे। तो गाइस मुझे सोना होगा अभी भी, और ब्लॉग एंड करनी होगी, जो कि ऐसी बात है मैं रात को करने वाला था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो नहीं मना हुआ स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जब भी आएगी फिर कभी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय।